फ्रेंड्स, आज 1 जनवरी 2022 है। आप सबको कौशिक व्लॉग की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और मैं उम्मीद करता हूँ, विश करता हूँ कि ये आने वाला साल हम सब की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देगा। चलो, 1 जनवरी थी, शनिवार का दिन है, तो आज हम निकले हैं। जैसे कि आपको पता है, गाड़ी के अंदर वो वायरलेस हो गया है। ये मैंने लेपर ट्रेल जा रहा हूँ फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, और खाना हमारे गाड़ी में ही है। वहाँ चाय वाय पियेंगे और खाना खाएंगे बैठ के, और आपसे व्लॉग शेयर करेंगे। सफारी को चलाने की फ्रेंड मतलब मस्ती ही, लग्जरी ही कुछ हो रहा है। कोई कुछ भी कहता रहे भाई, मुझे तो ये गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एफर्टलेस गाड़ी चलती है, अब चल रही है गाड़ी, कुछ भी दिक्कत नहीं है भैया, मज़े। तो अभी 2022 में देखो, 21 में तो आप लोगों ने काफ़ी मेरी हेल्प की है। कितने खूबसूरत लगते हैं देखने में ये सरसों के खेत। ये सामने गेहूं है, गेहूं में वाटरिंग कर रहे हैं फार्मर्स। मैं रिशान को इसलिए यहाँ लेके आता हूँ ताकि इसको मालूम पड़े कि फार्मर्स किस तरह से खेती बाड़ी करते हैं। इनको अंदाज़ा तो हो कि ये सरसों है, ये गेहूं है, ये टमाटर है, ये मूली है, वरना आजकल के बच्चों को थोड़ा सा कम मालूम है। देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ों ने, पौधों ने एक पीले रंग की चादर ओढ़ी हुई है। देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। गुड़गांव के इतना करीब है फ्रेंड, आप भी आएँ, ज़रूर आएँ और बच्चों को दिखाएं कि खेत कैसे होते हैं, फार्मर्स कैसे मेहनत करके हमारे लिए खाना उगाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये खेतों से निकली है मूलियाँ, ये पूरा खेत मूलियों का है। ये मूलियाँ सारी पहले उन्होंने उखाड़ के इकट्ठी किए हैं, फिर ये पानी है फ्रेश, और ये धो रही हैं, अब ये जाएंगी, इसके बाद ये मंडी में जाएगी बिकने के लिए। तो फ्रेंड, ये गुड़गांव में ही है, देख लीजिए आप कितनी फ्रेश मूलियाँ हैं। मैंने वैसे गाड़ी में भर ली हैं अपने, वो भाई धो रहा है मूलियों को, और ये बैठे हैं भाई साहब हमारे खेत के मालिक। सामने है फ्रेंड्स अरावली, ये हम खेतों के बीच आ गए हैं। सरसों के खेत हैं चारों तरफ, ये गेहूं है, और ये है हमारी दमयंती बंतो सफारी। लंच लाए हैं, लंच करेंगे। सरसों के खेत चारों तरफ फैले हुए हैं। रिशान जी अपने कपड़े ठीक कर रहे हैं, और ये मैडम हमारी, ये लाई है प्रोग्राम बना के फर्स्ट को आज, कि आज चलते हैं घूमने, तो पूरे घूमते रहेंगे पूरे साल। सफारी को टैकल करना, ड्राइव करना बहुत ही इजी है, इजी टू ड्राइव है, लग्जरी है इस गाड़ी को चलाना, बहुत मज़ा आता है मुझे तो। XUV 700 चलाई, वो भी काफ़ी इजी टू ड्राइव है। फ्रेंड, मैं आपका कुलदीप कौशिक, नए साल की आपको ढेरों बधाइयाँ, और पिछले साल तो काफ़ी हेल्प की आप लोगों ने मेरी, उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी मेरी आप हेल्प करेंगे और खूब जम के सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। फ्रेंड्स, करते रहिए करते रहिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। ये जोगिंदर, ये तुम्हारा जोगिंदर जो है, स्कूल जाना शुरू कर दिया इसने। वैसे ये मास्क नहीं पहनता, लेकिन यहाँ ज़रूर मास्क पहनता है। तो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग कौशिक व्लॉग्स, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। ये देखिए, सामने घोड़ा गाड़ी आ रही है, और ये देखिए क्या साइकिलिंग हो रही है, क्या ठाट है भाई। अब वो ट्यूबवेल नहीं चलते यहाँ पे, ये लेटेस्ट तरीके से किया गया है, ये घोड़ा गाड़ी है। मैडम पूछ रही क्या बेच रहा है भैया, कल मूलियाँ खरीदी थी। अच्छा,
चलो फ्रेंड्स अब चलते हैं अरावली की तरफ। गाड़ी की सारी पन्नियां फ्रेंड्स ने हटा दी है इसकी पूरी। गाड़ी का जो इंटीरियर है वो तो एकदम ही अभी तो देखो 9 महीने से ऊपर हो गया मेरे को, पर गाड़ी अभी गंदी नहीं लगती, गाड़ी बिल्कुल साफ लगती है। ज़्यादा चली नहीं, चली 6000 किलोमीटर ही है, लेकिन गाड़ी का जो इंटीरियर है वो अभी भी साफ है। और जब जरूरत पड़ेगी फ्रेंड इसको मैं ड्राई क्लीन करा दूंगा। पीछे की मैंने 2 सीट नीचे डाल दी है तो डिग्गी काफी बड़ी होगी है। अगली बार टायर थोड़े बड़े डलवा दूंगा 265 वाले। फ्रेंड्स मार्केट में गाड़ियां बहुत सारी आ गई हैं और सफारी का जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो XUV700 से है। गाड़ी वो भी अच्छी है, महिंद्रा भी अपना देसी ब्रांड है और ये भी अपना, ये देखिए फ्रेंड्स फूलों की खेती हो रही है। ये निशान आपको दिखा देगा, कॉटन है। गाड़ियाँ बहुत है मार्केट में, XUV700 भी आ गई, अच्छी गाड़ी है देखने में, चलाने में भी इजी टू ड्राइव है। मैंने काफ़ी लंबी ड्राइव की थी अभी और मुझे बहुत मज़ा आया। उस गाड़ी का अपना 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 स्टाइल है, अपना रुतबा है और सफारी का अपने स्टाइल है। दोनों ही गाड़ियाँ एच पार हैं, दोनों ही गाड़ी खरीदी जा सकती है। इस गाड़ी का इंटीरियर भी थोड़ा सा ये बड़ा कर देना चाहिए, बट ये इंटीरियर भी थोड़ा ठीक लगता है, अच्छा है, बुरा नहीं है, टाटा के हिसाब से काफ़ी अच्छा है ये। टाटा और महिंद्रा दोनों काफ़ी वर्कआउट कर रहे हैं।